कृष्ण तत्व राधा तत्व प्रायः एक ही है। कृष्ण तत्व और राधा तत्व में कोई अंतर नहीं। उसी प्रकार एक तरफ श्री राधिकाजू और एक तरफ मीरा को अगर रखा जाए, दोनों की अगर वैसे तो प्रेम में कोई अंतर करना नहीं चाहिए, लेकिन अगर तुम फिर भी कथा की विषय वस्तु से आप अगर दृष्टि रखो, मति रखो, हमारा मानना है एक तरफ राधा हो एक तरफ मीरा हो, तो राधा द्वापर में हुई है, मीरा कलयुग में हुई है, लेकिन द्वापर में रहते हुए भी राधा कृष्ण के रहते हुए वियोग पाई, मीरा ने वियोग भी पाया है, लेकिन हर पल ये भी मीरा को आभास था कि मेरा गोविंद मुझे देख रहा है। राधा के ठाकुर राधा जी को मधुबन में मिलते थे, मधुबन में, लेकिन मीरा के श्याम तो मन में मिलते थे। राधा मिलने के लिए मधुबन जाती, फिर ठाकुर जी मिलते, लेकिन मीरा तो मन को ही मधुबन बना लेती, मानो मीरा कहना चाहती हो हम तुमसे कि अब तुम्हें ना भगवान के अवतार का इंतजार नहीं करना है, मन को ही मधुबन बना लो, गोविंद दौड़ा चला आएगा। इसलिए मीरा उत्तम है। राधा ने श्रृंगार करके भगवान को रिझाया। कई बार ठकुरानी जी ने, हमारी प्रिया जी ने श्रृंगार किया, दिव्य श्रृंगार, कभी हमारे ठाकुर जी भी श्री प्रिया जी का श्रृंगार कर देते हैं, झूला पर बैठाते श्रृंगार करते, तो राधा ने ठाकुर जी को श्रृंगार करके रिझाया, लेकिन हमारी मीरा ने जोगन बनकर गोविंद को रिझाया, योगन बनी मीरा। राज घराने की, मेवाड़ मेड़ता के महाराजा, यहां पर मीराबाई प्रकट हुई, राज घराना, वो शान शौकत, वो संपत्ति, वह वैभव, पितामा राव दूधाजी, दूधाजी जैसे राव पितामा, जिसके पास, जिनके पास में भक्ति और संपत्ति की कोई कमी नहीं, उनके घर के राज घराने में होने वाली राजकुमारी, बचपन से मां मीरा की इसलिए परेशान थी कि ये बेटी ना बड़ी विचित्र है, न इसे पहनने का शौक है, न इसे सखियों के साथ खेलने का शौक है, न इसे घूमने का शौक है, मीरा अपनी धुन में मस्त रहती थी, मीरा अपनी पागलपन में, अपनी वो जोगन भाव में मस्त रहती थी, जो बन गया सो पा लिया, जो पहना सो पहन लिया, कोई श्रृंगार नहीं, कोई वेशभूषा नहीं, कोई बहुत लाग लपेट नहीं, जो जितना श्रृंगार था भी मीरा का, वो भी घनश्याम को समर्पित। तो राधा ने श्रृंगार करके ठाकुर को रिझाया, मीरा ने जोगन बनकर गोविंद को रिझाया। राधा के साथ अष्ट सखियां सपोर्ट में, तुम चिंता मत करो हम तुम्हारे साथ। कभी कभी भगवान के पास संदेशा पहुंचाने का काम राधा जी की सखियां कर देती, बुला लाती, मजाक करती, लेकिन मीरा के साथ तो बहुत बुरा है, कोई नहीं है, इनके घर वाले भी नहीं है,